झारखंड के सरायकेला के कुचा इलाके में मंगलवार सुबह कोबरा और झारखंड पुलिस के संयुक्त दल पर आईईडी ब्लास्ट किया गया। इस हमले में कोबरा के 8 जवान तो वहीं झारखंड पुलिस के 3 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना के वक्त जवानों का संयुक्त दल तलाशी अभियान पर था और अधिकारियों के मुताबिक आईईडी को कच्ची सड़क के नीचे दबाकर रखा गया और सभी घायल जवानों को विमान के जरिए राज्य की राजधानी रांची लाया गया। बता दें कि झारखंड के कई इलाके नक्सल प्रभावित हैं और इन क्षेत्रों में नक्सली काफी सक्रिय हैं और इस सुरक्षा बलों को लगातार निशाना बनाते रहते हैं और इसी के तहत ये हादसा हुआ। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से आईडी को जमीन में दबाया गया और उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। इस घटना के समय सभी सुरक्षाकर्मी तलाशी अभियान पर थे और इसी दौरान ये हादसा हुआ जिसमें गंभीर रूप से जवान घायल हो गए जिन्हें फ्लाइट के जरिए हेलीकॉप्टर के जरिए राजधानी ले जाया गया और वहां पे इनका इलाज अभी जारी है। रांची में इन सभी जवानों का इलाज अभी जारी है।